चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी हम क्लास। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 27 तक। 27 का आंसर आया था 2 फीट 7 इंचेस। अब जल्दी से करिए क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट। रेडी, देखिए 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम वेंट टू ए शॉप टू बाई 50 किलोग्राम राइस। ही बाई 2 वेराइटीज ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम रुपीज 4 रुपीज 50 पैसे पर किलोग्राम एंड 5 रुपीज 50 पैसे पर किलोग्राम। ही स्पेंड्स अ टोटल ऑफ 240 रुपीज। What was the quantity of rice bought which cost 4 रुपीज 50 पैसे पर किलोग्राम। बताइए उसने 4 रुपये 50 पैसे किलोग्राम के रेट से लगने वाली राइस कितने किलोग्राम खरीदी। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, करेक्ट आंसर है 20 किलोग्राम। तो उसने टोटल 50 किलोग्राम चावल खरीदा, तो मान लिया उसने कि जो 4.5 रुपये वाला चावल है उसने x किलोग्राम खरीदा है। तो 4.5 रुपये के हिसाब से x किलोग्राम का जो कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 4.0x50x, एंड बाकी जो 5 रुपये वाला है तो 5 के हिसाब से 50 माइनस x, टोटल कॉस्ट 240, सॉल्व करने पर 20 किलोग्राम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 29। अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर बाई 53। ही मल्टीप्लाइड बाई 35 एंड गॉट द आंसर लेस देन द करेक्ट वन बाई 1206। फाइंड द नंबर टू बी मल्टीप्लाई। बताइए वो नंबर क्या था जो मल्टीप्लाई करना था, वो ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई करना था वो क्या था। हाँ देखिए, इसका मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग कह रहा है कि एक बच्चे को बोला गया कि वो किसी नंबर को 53 से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चे को वो अननोन नंबर सपोज एक्स था, तो बच्चे को बोला गया उस अननोन नंबर एक्स को 53 से मल्टीप्लाई करो, मगर बच्चे ने गलती से उस नंबर को 35 से कर दिया। मतलब बच्चे ने जो आंसर निकाला वो 53x की जगह क्या था, 35x था। अब क्वेश्चन का कह रहा है कि जो उसका आंसर मिला वो करेक्ट आंसर से कितना कम था, 1206। मतलब एक्चुअल आंसर और जो उसने आंसर प्राप्त किया उसका जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1206। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो 53 में से 35 जाएगा कितना आएगा, 18x। तो 18x इक्वल टू 1206। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1206/18। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 30। 4/5 और 5/7 ऑफ अ न्यू नंबर इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस बाय द सेम नंबर 8। व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट नंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, करिए सॉल्व। तो आपका आंसर आया 315, बिल्कुल सही है जवाब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला, एग्जांपल नंबर 31। अ मैन ओन्स 2/3 ऑफ द मार्केट रिसर्च ब्यूरो बिजनेस एंड सेल्स 3/4 ऑफ हिज शेयर्स एट 75,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। एक मैन जो होता है 2/3 ऑफ द मार्केट रिसर्च ब्यूरो बिजनेस, ठीक ना, तो एक बंदा जो है वो 2/3 मार्केट रिसर्च ब्यूरो बिजनेस को खरीदता है और उसका 3/4 जो होता है, 3/4 अपने शेयर का वो बेच देता है। तो बताइए कि कितनी थी बिजनेस की वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन सर। वो 2/3 सर पूरा मार्केट की रिसर्च वैल्यू वो रख रहा है अपने पास, नहीं नहीं, सर? नहीं, उसमें से नहीं, 2/3 का वो 3/4 बेच देता है। नहीं बेटा, देखो एक मैन जो है अपने पास जो है उसके पास टोटल जो बिजनेस है उसमें उसका 2/3 हिस्सेदारी वो खरीदता है। तो मान लो कोई बंदा है, वो बिजनेस की टोटल वर्थ है एक्स रुपीस। अब एक्स का कितना खरीदता है, वो 2/3 खरीदता है, और खरीदे हुए मतलब कितना खरीदा, 2x/3, और जो खरीदा हुआ था उसका 3/4 सेल कर देता है। अब वो जो सेल करता है कितने की सेलिंग आती है उसकी, 75,000 रुपये की। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। भाई टोटल एक्स का बिजनेस था उसमें उसकी हिस्सेदारी 2/3 थी, 2/3 का 3/4 पार्ट वो 75,000 में बेचता है। बताइए वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी थी, एक्स पता करो। तो 75,000, 4 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 15 लाख, 2 नीचे आएगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 3 से 3 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना आएगा बेटा बोलो, 1.5 लाख, नॉट 15 लाख आई थिंक।
यूनिट 10,000, ओके 10,000, 1,50,000, क्लियर? यस सर। हाँ 1,50,000 बन जाएगा, बोलो नहीं बनेगा? सर बन जाएगा सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ मैन स्पेंड 2/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 3/10 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 1/8 ऑफ हिज सैलरी ऑन द कन्वेंस। इफ ही हैज 1,400 rupees लेफ्ट विद हिम, फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड कन्वेंस। तो बताइए कि वो उसका फूड और कन्वेंस पर कितना पैसा खर्च हुआ। ओके सर, टोटल सैलरी शुड बी एक्स ना? हाँ टोटल सैलरी एक्स मान लो। सर इन सबको एक्स के साथ वो कर सकते हैं ना? हाँ एक्स से माइनस कर सकते हैं ना? नहीं नहीं माइनस माइनस नहीं करोगे, माइनस नहीं कर सकते हो। देखो कह रहा है एक बंदा है, मान सबसे पहले ले लो टोटल सैलरी एक्स मान लो। टोटल सैलरी कितनी मान ली आपने एक्स। अब वो बंदा 2/5 अपनी सैलरी का किसमें लगाता? हाउस रेंट पे। तो हाउस रेंट इक्वल टू कितना हो गया? 2x/5 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर 2/5 ऑफ एक्स। एंड रेंट कितना हाउस रेंट? फूड पे कितना देता हूँ? 3x/10, 3/10 ऑफ एक्स यानी 3x/10, ठीक है ना? यस सर। एंड यार कन्वेंस पे कितना दे रहा देखो, 1/8 यानी कि x/8 कन्वेंस पे दिया, ठीक है ना? 1/8। अब कह रहा है इतना सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास 1,400 रुपये बचे। भाई देखो x था तो x में से कितना खर्च कर दिया? 2x/5 दे दिया हाउस रेंट का, 3x/10 दे दिया उसका फ्यूल का, फ्यूल फूड का सॉरी, और कन्वेंस का कितना दे दिया? x/8। इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा? 1,400 रुपये। बोलो यस। यस सर। सॉल्व कर लो एक्स माइनस, बेटा 5, 10 और 8 का एलसीएम निकालो। 5, 10, 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8, 5 2 जा 10, 4 जा 40, बेटा 40 आया। बोलो हाँ। यस सर। 8x10, 4 जा 40, इधर कितना बचा है? 12x और प्लस 8, 5 जा 5x इक्वल टू 1,400, ठीक है बेटा? यस सर। तो यहाँ माइनस है बच्चों, देखो 8 और 5, 13, 13 में से 12 गए, कितना बचा? एक्स। आई फट x अपॉन 40, एक्स माइनस एक्स अपॉन 40, एक्स माइनस एक्स बाई 40 इक्वल टू 1,400, 40x माइनस x यानी 39x अपॉन 100 इक्वल टू 1,400, क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? x इक्वल टू आ गया 414 x, मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 14800 और 100 ऊपर जाएगा तो 20 और अपॉन 39। बोलो आया एक्स इतना कि नहीं आया? यस सर। ओके अब हमसे कह रहा था कि बताइए, क्या कह रहा है कि बताइए एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड कन्वेंस। फूड में कितना लगा बेटा? 3/10 लगा उसकी सैलरी का। तो ये सैलरी एक्स है, एक्स का 3/10 निकाल लो। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कितने बार कटेगा बेटा? 13 बार। तो आंसर 14,000/13, 14,000/13 बेटा जरा करो, 14,000/13 करो जरा। कुछ गलत हो गया हमसे यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हुई है बेटा, ऐसा लग रहा गलत आ रहा है। 2,400 रुपये आना चाहिए, 3/10 पार्ट आ रहा है इसका टोटल, गलत आ रहा है, गलत कुछ गलती हुई है। चलिए फिर से करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं। इसको मैं अलग से करता हूँ बच्चों, ये देखिए यहाँ पे करता हूँ इसको।
चलिए देखिए, मान लेते हैं कि टोटल सैलरी बी एक्स, ओके। अब बेटा ये बताना है फूड पे कितना खर्च करता है बेटा अपनी सैलरी का? यस सर। फूड पे कितना खर्च करता है अपनी सैलरी का बंदा? फूड पे सर, सर स्क्रीन ब्लर हो गई सर, पता नहीं क्यों। 3/10 ऑन हिज सैलरी ऑन फूड, 3/10 यस सर, है ना? तो 3/10x। अब दिख रही स्क्रीन सर? पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रही मुझे। नहीं, बिल्कुल सही है सर, लेट मी जस्ट चेंज माय नेटवर्क। देखो टोटल सैलरी एक्स है, फूड उसका 3/10x है, ओके। एंड देन फूड के बाद 1/8 सैलरी ऑन कन्वेंस, कन्वेंस कितना yes, हुआ? 1/8x, मतलब x/8। यस सर। एंड देन उस पे एक और चीज है ना, एक और हेडिंग है सर, 2/3 भी खर्च हो रहा है सर। 2/5 है बेटा वो, ओके सर। हाउस रेंट, ये हो गया, ठीक है ना? अब कह रहा है इतना खर्च करने के बाद 1400 रुपये बच रहा है, तो पहले टोटल खर्च को जोड़ लो। एक्सपेंस टोटल कितना होगा बेटा? 3x/10 प्लस x/8 प्लस 2x/5, ये एक्सपेंस होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। 40 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा बोलो? ओहो, ये गलती हुई थी, समझ गया बेटा, यहाँ पे हमने जबरदस्ती में माइनस रख दिया था, देखो बिना बात का माइनस रख दिया था। ओके। यहाँ यहाँ क्या होना था? प्लस होना था, यस और नो? प्लस होना था। हाँ, तो 12, 8, 20 और 20 और 5, 25 होना था। चलो अब तो सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4, 3, 12x प्लस 5x प्लस, बच्चों ये 2x/5 है ना? 2x/5। एलसीएम 40 आया है ना? यस सर, 5, 10, 8 का 40 आ रहा है। हाँ, तो बेटा 8×2=16x होना था इसको भी, हमने हमने 2 को छोड़ दिया था, गलतियों पे गलतियाँ ही हुई हैं। तो देखो यहाँ पे 5, 8 है ना, 8×2=16x, क्लियर है बेटा? यस सर। कितना हो गया ये? 12 और 16, 28। 12 और 16 कितना हो गया? 28। 28 और 5, 33। 33x/40, क्लियर? सर। हाँ। सर आपने 5, ओके ओके सर, सही है, सही है ना? यस सर। सेविंग्स देखो कितनी होगी बेटा, एक्स माइनस टोटल कमाई एक्स थी, 33x/40 दैट इज इक्वल टू 40x-33x/40 दैट इज इक्वल टू 7x/30। इतनी सेविंग हुई? यस सर। नाउ बेटा जो सेविंग दी गई है वो कितनी दी गई है? 1400 रुपये, मतलब 7x/30 इक्वल टू दिया है 1400 रुपये। हाँ या ना? यस सर। एक्स इक्वल टू 1400 × 30 7, 7 से कट गया 200, तो एक्स इक्वल टू 200 × 30 6000। अब इन लोगों ने बोला था कि किस पे? फूड पे खर्च बताओ, फूड पे मांगा, फूड पे मांगा है एंड कन्वेंस पे, फूड और कन्वेंस पे मांगा है बेटा। तो फूड पे देखो खर्च 3/10 और एक्स की वैल्यू 6000, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 3 1800 रुपये भाई फूड पे हुआ। कन्वेंस पे कितना होगा देखो, कन्वेंस पे है x/8, तो 6000/8 x/8
काटो, दो से काटो, चार बार दो से कटेगा, तीन बार, 3000/4। चेक करो आंसर यार, अभी भी गलत आ रहा है। टोटल 8000 रुपये आ रहा है इसका एक्स, मतलब अपने कहीं गलती कर दी क्या? सर एलसीएम में ही प्रॉब्लम होगी। सेविंग, ओ हो यार क्या हो रहा है आज यार। देखो तो 40 की जगह 30 लिख दिया, हद है यार। यहाँ 40 था ना बेटा, यहाँ 30 लिख दिया था मैंने, देखो तो। सॉरी सर। अरे पता ही नहीं क्या हो रहा है आज, इनटू 40 हो जाएगा। चलो सब सही हो गया, अब 8000 क्लियर है अब। यस सर। हाँ अब सही है, अब 8000 का 10 से कितने बार जाएगा? 800, आंसर 2400 रुपये, 8 3 ज़ा 2400। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ओके एंड ये कितना जाएगा बेटा? 8000/8। ओके यस सर। आंसर 1000, क्लियर हुआ? यस सर। यही है, यही आंसर है, देख लो आप। 1000 रुपये और 8000 रुपये और 2400 रुपये, डन बन जाएगा यस सर। बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। कोई प्रॉब्लम, चले आगे। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो युगल, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। अ थर्ड, यस। अ थर्ड ऑफ अरुण्स मार्क इन मैथमेटिक्स एक्सीड्स अ हाफ ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश बाय 30। इफ ही गॉट 240 मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही गेट इन इंग्लिश? तो सर मतलब थर्ड ऑफ अरुण मार्क्स मतलब वन वन अपॉन थ्री ऑफ हिज मैथमेटिक्स मार्क्स इज एक्चुअली एक्सीड्स हाफ ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश। ओ सर नहीं समझ में आया? सर आ गया। हाँ तो करो। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, मैथमेटिक्स में उन्होंने 180 मिले हैं और इंग्लिश में उसे 60 मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल व्हेन 6 बॉटल ऑफ ऑयल वर टेकन आउट एंड 4 बॉटल ऑफ ऑयल वर पोर्ड इन टू इट, इट वॉज 3/4 फुल। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन टिन कंटेन? बताइए कि टिन में कितने बॉटल कंटेन हैं? कितने बॉटल ऑयल कंटेन है टिन में, बताइए। देखो इसका कहना है कि कोई टिन है जिसमें अ टिन ऑफ ऑयल वॉज 4/5 फुल। एक जो टिन है वो अपनी फुल कैपेसिटी का 4/5 फुल है, समझ गए? अगर उसमें 6 बॉटल ऑयल की, 6 बॉटल ऑफ ऑयल जो है बाहर निकाल लिया जाता है और 4 बॉटल ऑफ ऑयल उसमें डाल दिया जाता है, तो वो जो होता है टिन वो अपनी कैपेसिटी का 3/4 फुल हो जाता है, समझ गए? तो ओके 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 गॉट इट। बताइए कि कितने बॉटल कंटेन करता है टिन में, टोटल कितने बॉटल कंटेन करता है अपना ऑयल जो है बॉटल के हिसाब से कितना है? बिल्कुल सही। तो हम मान लेते हैं कि जो टिन है वो टोटल 40 बॉटल की, एक्स बॉटल की कैपेसिटी का है। सपोज एक्स बॉटल्स कैन फिल द टिन कंप्लीटली, तो अगर जो टिन था वो अपनी फुल कैपेसिटी का 4/5 फुल था, तो मतलब जो टिन जो था वो 4/5 फुल था और उसको 3/4 फुल करने के लिए, अपनी कैपेसिटी का 3/4 फुल करने के लिए, ओके ना, कितना? 6 बॉटल अंदर डाली गई और 4 बॉटल बाहर निकाल लिया गया ऑयल। ओके 6 बॉटल ऑफ यस ऑयल वर टेकन आउट एंड 4 बॉटल्स ऑफ ऑयल वर पोर्ड इन टू इट, और 4 बॉटल ऑफ ऑयल जो है वो उसमें अंदर डाल दिया जाता है। यस सर। हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ द ऑयल टिन कंटेन? देखिए ऐसे क्वेश्चन को लिखिए रीड बिफोर एग्जाम, और ऐसे क्वेश्चंस को अलग से कॉपी में सॉल्व किया करो। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है बेटा वो बिगर माइनस स्मॉलर का यूज हो रहा है, मतलब कभी भी कोई चीज कंपेयर करनी हो नंबर में तो
तो बिगर माइनस से स्मॉलर करोगे तो अपने आप आंसर आएगा सही, ठीक है? यस सर। हाँ तो ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए युगल। वन इफ वन बाई एट इफ वन बाई एट ऑफ अ पेंसिल इज ब्लैक एंड वन बाई टू ऑफ इट्स रिमेनिंग इज वाइट एंड द रिमेनिंग थ्री वन बाई टू सेंटीमीटर इज ब्लू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। ओके चलिए भाई बताइए। सर सर इनको प्लस नहीं कर देंगे सर? बिल्कुल प्लस करेंगे, बिल्कुल प्लस करेंगे। और टोटल पार्ट एक्स के इक्वल होगा, टोटल पार्ट एक्स के इक्वल, ब्लैक का पार्ट एक्स बाई एट। ओके यस है ना, ब्लैक का पार्ट एक्स बाई एट, पेंसिल इज ब्लैक, वन बाई एट पार्ट ऑफ पेंसिल इज ब्लैक, वन बाई टू ऑफ द रिमेनिंग इज वाइट। मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, वन बाई एट पार्ट ऑफ द पेंसिल इज ब्लैक, ठीक ना? तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, सेवन एक्स बाई एट, क्योंकि एक्स में से एक्स बाई एट पार्ट ब्लैक है, सेवन बाई एट का वन बाई टू पार्ट जो है वो क्या है, वाइट है। ओके एंड देन सेवन एक्स बाई एट में से सेवन एक्स बाई सिक्सटीन पार्ट जो है वो क्या है, अपना वाइट है। और उसमें से जो पार्ट बच जाता है, फाइनली जो पार्ट बचता है सेवन एक्स बाई सिक्सटीन, वो कैसा है, एंड द रिमेनिंग इज थ्री थ्री एंड हाफ सेंटीमीटर। मतलब जो 7x बाई सिक्सटीन है वो 3.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपसे ये कहा जा रहा है बेटा कि आपके पास कोई पेंसिल है, मान लो बेटा ये कोई पेंसिल आपके पास है, कह रहा इसका 1/8 पार्ट पेंसिल का ब्लैक है, मतलब x बाई एट पार्ट ब्लैक है। बोलो यस। यस सर। तो x बाई एट सेंटीमीटर इसका ब्लैक है, क्लियर? यस सर। अब इसका जो कह रहा है कि 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज वाइट, इसका जो बचा हुआ पार्ट है भाई, टोटल कितना रहा होगा, x रहा होगा, तो x में से x बाई एट चला गया, तो कितना 7x बाई एट बचा कि नहीं बचा? यस सर। रिमेनिंग पार्ट 7x बाई एट बचा, उसका हाफ मतलब 7x बाई एट का आधा यानी 1/2 यानी कि 7x बाई सिक्सटीन। बोलो हाँ। यस सर। वो क्या है, 7x by 16 जो है वो है वाइट। क्लियर हुआ? यस सर। अब 7x by 8 में से आधा जो होगा वो होगा 7x by 16, और बाकी का आधा क्या होगा, ये 7x by 16। अब कह रहा जो बाकी का आधा है उसकी लेंथ दी गई है 3 raised to 1/2, मतलब 3 2 6 + 1 7/2, यानी जो 3x by 16 बाकी का है वो किसके इक्वल है, 7/2 के। 7/2 के, सॉरी 3x बाई 16 बोल गया, 7x बाई 16, सॉरी जो 7x बाई 16 इधर का है आधा, वो किसके इक्वल है, 7/2 के। बोलो हाँ। यस सर। 7 से 7 कैंसिल कैंसिल। यस सर। हाँ 16 ऊपर आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए करिए खुद से एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। At a college football game, 4/5 of the seats in the lower deck of stadium were sold. If 1/4 of all the seating in the stadium is located in the lower deck, and if 2/3 of all the seats in the stadium were sold, what fraction of the unsold seats in the stadium was in the lower deck? बहुत धुआंधार क्वेश्चन है भाई। चलिए देखिए। At a college football game, 4/5 of the seat इन द लोअर डेक ऑफ ए स्टेडियम वर सोल्ड। मान लो स्टेडियम में टोटल सीट एक्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी मान लो एक्स, क्लियर? यस सर। मान लो स्टेडियम में पूरी सीट जो है वो एक्स है। अब कह रहा है कि 1/4 जो है ऑल द सीट्स का, जो 1/4 है वो लोअर डेक है, मतलब x का 1/4 कितना होगा, x बाई फोर होगा कि नहीं होगा? यस सर। x बाई फोर जो सीट है वो लोअर डेक में है। बोलो हाँ। यस सर। तो x में से x बाई फोर माइनस हो गया, मतलब बाकी जो रिमेनिंग सीट बची वो कितनी बची? यस सर। क्या यस सर, कितनी बची सर? 3x/4। बिल्कुल सही, 3x/4। आप सुनो क्वेश्चन के आगे की बात। कह रहा है
4/5 ऑफ द सीट्स इन लोअर डेक ऑफ स्टेडियम वर सोल्ड. लोअर डेक का 4/5, लोअर डेक में टोटल सीट कितनी थी युगल? सर एक्स बाय फोर, तो सर सर एक्स बाय फाइव सीट सोल्ड हो गई. एक्स बाय फाइव, ना ना ना, हाँ 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 ठीक बोल रहे हो. एक्स बाय फोर का 4/5 मतलब एक्स बाई फाइव सीट क्या हो गई? सोल्ड हो गई. सोल्ड हो गई किसकी? लोअर डेक की. यस सर. तो लोअर डेक में बची कितनी? टोटल लोअर डेक के पास कितनी थी? एक्स बाई फोर थी. एक्स बाई फोर में एक्स बाई फाइव सोल्ड हो गई, तो अनसोल्ड कितनी बची? 5 और 4 20, और यहां आएगा 5x-x 4x यानी एक्स बाई 20. बोलो यस. 20. यस सर. बची एक्स बाई 20. यस सर. चलो अब कह रहा है इफ 1/4 ऑफ द सिटिंग लोकेटेड इन द लोअर डेक एंड इफ 2/3 ऑफ द सीट्स ऑफ स्टेडियम वर सोल्ड. अब कह रहा है कि पूरे स्टेडियम की 2/3 सीट सोल्ड कर दी गई हैं. ओके, 2/3 सीट सोल्ड. हाँ, तो टोटल स्टेडियम की सीट कितनी थी? एक्स थी. तो टोटल सोल्ड कितनी होंगी? सर एक सेकंड सर, 2x/3 सर, एक्स अपॉन थ्री, बस इतना ही. 2x/3 कह रहा है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अनसोल्ड? तो अनसोल्ड कितनी होगी? x में से 2x/3 माइनस कर लो, कितना हुआ? x/3. यस सर. हाँ या ना? यस सर. अब कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द अनसोल्ड सीट्स इन द स्टेडियम वाज ऑन द लोअर डेक. लोअर डेक की जो अनसोल्ड सीट्स हैं उनका कितना फ्रैक्शन है? बेटा लोअर डेक की अनसोल्ड सीट कितनी है? सर सर हमने कहा लिखा था x अपॉन 4 है. नहीं, x अपॉन 20 है. हाँ, तो लोअर डेक की अनसोल्ड सीट है x अपॉन 20, और कितनी है टोटल अनसोल्ड? x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 20. ना 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 ना, टोटल अनसोल्ड कितनी है? टोटल अनसोल्ड सर x अपॉन 3. हाँ, x अपॉन 3, x से x कैंसिल, पलटी मार के 3 कहाँ आएगा? ऊपर. आंसर क्या आया? 3/20. नहीं आया समझ में? सर सर जस्ट अ सेकंड सर. सर बोलो. देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो टोटल अनसोल्ड है, बोलो. हाँ यस सर. टोटल अनसोल्ड का जो लोअर अनसोल्ड है, लोअर बैक अनसोल्ड, वो कितना फ्रैक्शन है? समझ में आया? अब आ गया सर. अब क्लियर है? यस सर. वरना मुझे लगा इन दोनों को ऐड, सर अगर वो टोटल पूछते कि कितनी सीट्स रिमेनिंग है तो हम इनको ऐड करते ना. नहीं बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, आप हर बार क्वेश्चन का मीनिंग गलत निकाल रहे हो. हाँ, वो तब जोड़ते. इसने बोला है कि टोटल अनसोल्ड का, तो टोटल अनसोल्ड अपनी जो निकली थी वो कितनी निकली थी? x बाई 3. बोलो यस. यस सर. और लोअर बैक में जो अनसोल्ड आई थी वो कितनी आई थी बेटा? x बाई 20. यस सर. नहीं आई थी सर? आई थी. हाँ, तो ये दोनों को मैं कैंसिल कर दिया. x x आंसर 3/20. क्लियर की नॉट क्लियर? सर क्लियर. चलो नोट करो, बन जाएगा सर, बन जाएगा, एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा. इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, 1/2 ऑफ द वुमेन आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन. इफ 3/4 ऑफ द मेन आर मैरिड एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर्स आर विदाउट चिल्ड्रन. चलो भाई खुद से करो ये क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा. देखो भाई, इन अ सर्टेन ऑफिस 1/3 वर्कर आर वुमेन, मतलब टोटल वर्कर आप मान लो एक्स. अब एक्स का 1/3 वुमेन है, तो मैन कितने होंगे? मतलब टोटल वर्कर एक्स हैं, एक्स में जो वुमन है वो है एक्स बाई 3. बोलो. हाँ यस सर. हाँ, एक्स बाई 3 वुमेन है, तो जो मैन होंगे वो कितने होंगे? 2x/3. एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते? बोलो यस.
यस अब एक्स बाई थ्री का, एक्स बाई थ्री लड़कियां काम करती हैं, वुमेन काम करती हैं, उनका वन बाई टू पार्ट वुमेन का, मतलब टोटल वुमेन कितनी है एक्स बाई थ्री, उनका हाफ पार्ट मैरिड है, मतलब एक्स बाई थ्री का वन बाई टू पार्ट मैरिड है, बोलो हाँ यस सर, एक्स बाई थ्री का वन बाई टू पार्ट मैरिड है, एक्स बाई थ्री का वन बाई टू पार्ट मैरिड है, और उन मैरिड पार्ट का वन बाई थ्री पार्ट बच्चे वाले हैं, यानी एक्स बाई थ्री का वन बाई टू और उस वन बाई टू का वन बाई थ्री ये बच्चे वाले हैं, बोलो हाँ, मतलब एक्स अपॉन एटीन जो हो गए बच्चे वाली महिलाएं, बच्चे वाली जिनके बच्चे महिला सशक्तिकरण, हाँ जी महिलाएं जिनकी महिला हैं, ओके सॉरी गलत बोल गया, महिलाएं जिनके बच्चे yes, हैं, महिलाएं जिनकी महिलाएं हैं, क्यों होगा महिलाएं ऐसी वुमेन्स जिनके yes, बच्चे हैं, क्लियर क्लियर यस सर। अब देखते yes, हैं 2x बाई थ्री में, और जो मैन है 2x बाई थ्री जो टोटल मैन है उनके मैरिड कितने हैं, वो मैरिड है 3 बाई फोर, और 3 बाई फोर जो मैरिड हैं उनमें बच्चे कितनों के हैं, एंड 2 बाई थ्री ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, 2 3 बाई फोर का जो 2 थर्ड पार्ट है वो बच्चे वाला है, बोलो यस और नो, यस सर, काटो कूटो 2 जा 4 मतलब कितना 2x बाई कितना 7x अपॉन 18 आ रहा है अभी तो, 7x अपॉन 18 हो गया, नंबर्स ऑफ वर्कर्स हैविंग चिल्ड्रन, भाई जो अपने पास आया ये कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 2x बाई 3 टू जा 6 3 टू जा 6 हाँ मतलब x बाई 3 कितना आ गया x बाई 3 क्लियर यस सर, हाँ ये बच्चे वाली महिलाएं ये बच्चे वाले पुरुष, तो टोटल बच्चे वाले जो लोग हुए वो कितने हुए x बाई 18 प्लस x बाई 3 हुए कि नहीं हुए इन दोनों का सम, यस सर, मतलब 7x बाई 18 हो गए कि नहीं हुए, यस सर, अब तो बगैर बच्चे वाले कितने हुए x माइनस 7x बाई 18 मतलब कि 11x बाई 18 क्लियर यस सर, तो कह रहा बताओ कितना पार्ट जो था वो बगैर बच्चों वालों का था, तो बिना बच्चे वाले पार्ट कितने आए 11x बाई 18, टोटल वर्कर कितने थे x, x से x कैंसिल, आंसर हुआ 11 बाई 18, समझ में आया कि नहीं आया, सर आ गया सर बिल्कुल सर, मुझे मेरी गलती भी समझ में आ गई, बन जाएगा कैलकुलेट गलत कर दिया सर, बन गया था सर वो तो कैलकुलेशन गलत हो गई सर लास्ट में, इसलिए वो ये हो गया, ओके चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, ए क्रेट ऑफ मैंगोस कंटेन वन ब्रीज्ड मैंगो, ब्रूज्ड, अच्छा ब्रूज्ड का मतलब बता दो भाई इंग्लिश में क्या होता है, सड़ा हुआ सर, एक्चुअली रोटन, रोटन हाँ वही, ब्रूज्ड मैंगो फॉर एवरी 30 मैंगो, मतलब यार हर 30 मैंगो में एक मैंगो सड़ा हुआ है, मतलब 1/30 का रेशियो चल रहा है, बोलो हाँ यस सर, तो 30 मैंगो में एक मैंगो सड़ा हुआ पाया जा रहा है, ओके तो yes, और मान लिया अपने पास टोटल ये एक कैरेट का हिसाब है, एक कैरेट में 30 मैंगो भरे हुए हैं, 30 मैंगो में अपने पास एक मैंगो सड़ा हुआ है, तो अगर अपने पास एक्स कैरेट हैं तो टोटल जो जो सड़े हुए मैंगो होंगे वो कितने होंगे, एक्स बाई 30 यस सर होंगे, यस सर, हाँ भाई अपन ने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन द कैरेट बी एक्स, अगर टोटल नंबर ऑफ मैंगो जो कैरेट में है एक्स में एक्स हैं, ओके टोटल नंबर ऑफ मैंगोज अगर एक्स हैं तो जो खराब मैंगो हैं वो एक्स का 1/30 पार्ट होंगे, क्योंकि अगर हम एक करेट लेते हैं तो एक करेट में आउट ऑफ 30 मैंगो में एक मैंगो खराब निकलता है, तो 30 मैंगो में एक मैंगो खराब निकलता है, तो एक मैंगो में कौन सा मैंगो खराब होगा, 1/30 मैंगो खराब होंगे, तो अगर मेरे पास x मैंगो की कैरेट है तो x बाई 30 मैंगो खराब होंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, हाँ ये कंसेप्ट लगा भाई,
कि 1/30, मतलब अगर आप 30 मैंगो यूज करते हो तो उसमें से एक मैंगो खराब है। जब 30 मैंगो पर एक मैंगो खराब है तो एक मैंगो पर कौन सा मैंगो खराब होगा, 1/30th मैंगो खराब होगा। तो अगर एक्स मैंगो की आपके पास क्रेट है तो आपके पास जो टोटल मैंगो जो खराब होंगे वो क्या होंगे, x/30। क्लियर? यस सर। ओके चलो भाई आगे पढ़ते हैं। इफ 3 out of 4 रॉटेन मैंगोज आर कंसीडर्ड अनसेलेबल, कह रहा है कि अगर 3 of every 4 मतलब कि 3/4 पार्ट जो है सड़े हुए मैंगो का, मतलब ऑफ बरीज मैंगो आर कंसीडर्ड अनसेलेबल, मतलब जितने गंदे मैंगो आपके पास आए हैं उन मैंगो का 3/4 पार्ट आप नहीं बेच पाते हो। तो भाई अपने पास जो सड़े हुए मैंगो कितने हैं, x/30 दबे कुचले हल्के फुलके। अब उस x/30 का जो पार्ट होगा वो कितना होगा बेटा, 3/4, बोलो। यस यस सर। ये अनसेलेबल मैंगो हो गया, तो 3/4 of 1/30 काट दे भाई, 3 से लेके 10 बार 30 मतलब 1/40 आ गया। क्लियर और नॉट क्लियर? Absolutely. हाँ, कह रहा है कि इस तरीके से वहां पर 12 अनसेलेबल मैंगोज हैं, मतलब अनसेलेबल कितना है अपना x/40, तो x/40 किसके इक्वल होगा, 12 के, तो 12 into 40 कितना हो गया, 480, मतलब x = कितना, 480, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने मैंगो थे, 480। क्लियर की नॉट क्लियर? Absolutely clear. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोगेम्बो खुश हुआ, सरकार खुश हुआ, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन, गुड। इस क्वेश्चन को मैं गुड देता हूं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई युगल। यस सर। नाउ बाय बाय, टाइम टू से बाय बाय।